हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की बिहार स्टेट की क्लासेस नहीं थी, इसमें हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, जो क्रैक क्रय प्रणाली होती है क्या होती है, किस तरह से उसमें परचेज किया जाता है किसी भी एसेट को, किसी वस्तु को, और क्या उसमें जन एंट्रीज रहती हैं, और उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में उसी से ही मिलता जुलता या कहें उसी के जैसा ही, बस थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस रहता है। एक दूसरा टॉपिक है आपका किस भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जो आज हम पढ़ेंगे। लाइव वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्या होती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? तो हायर परचेज में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम जो भी एसेट है या फिर जो भी वस्तु को हम परचेस कर रहे होते हैं, वहां पर हम एक किस्त या फिर डाउन पेमेंट के तौर पर कुछ कैश अमाउंट जो होता है पे कर देते हैं, और बाकी जो रिमेन अमाउंट होता है उसको एक इंस्टॉलमेंट के तौर पर किस्तों में बराबर की आगे जो भी जैसा डिसाइड होगा एग्रीमेंट में उसके हिसाब से बांट करके देते हैं, वो हो जाता है हमारा हायर परचेज। और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है उसमें भी ऐसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा कि हम डाउन पेमेंट भी करते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है या जो भी एसेट है तो यहाँ पर फौरन ही आपको पोजेशन और उसकी जो ओनरशिप होती है दोनों ही मिल जाती है। हायर परचेज सिस्टम में हम सिर्फ जो प्रोडक्ट था, जो एसेट थी, उसको यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ओनरशिप भी आपको मिल जाती है। पहले ही डाउन पेमेंट या पहले किस्त के साथ ही आपको ओनरशिप भी मिल जाती है, आप उसके स्वामी भी बन जाते हैं। तो यही डिफरेंस है मेन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में है। और क्या क्या डिफरेंस है आगे हम समझते जाएंगे, देख लेते हैं। यहाँ पर एन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज अ क्रेडिट सेल सिस्टम इन विच पेमेंट आर मेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो किस भुगतान प्रणाली होती है, ये एक उधार की जो उधार के तरीके से आप जो भी प्रोडक्ट है या जो भी चीजें हैं उसको बेच रहे होते हैं, जिसमें जो पेमेंट होता है वो इंस्टॉलमेंट के तौर पर अवधि के अंतर्गत जो एक टाइम लिमिट रखी गई होगी उसमें दिया जाता है किस्तों में। इन दिस सिस्टम द बायर गेट्स द पोजिशन ऑफ द गुड्स एज वेल एज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स राइट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। जैसे ही जो एग्रीमेंट होता है साइन किया जाता है, वैसे ही ओनरशिप जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, साथ ही पोजिशन भी ट्रांसफर हो जाता है। हायर परचेज में सिर्फ पोजिशन ट्रांसफर होता था, यहाँ पर आपकी पोजिशन और ओनरशिप दोनों ट्रांसफर हो जाती है। दो पॉइंट को बहुत ध्यान में रखिएगा, इससे सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जो पोजिशन और ओनरशिप जिसमें ट्रांसफर दोनों चीजें होती हैं वो कौन सी प्रणाली होती है भुगतान की, पेमेंट की, तो वो हो जाएगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब आपको समझ में आ गया होगा, आइए देखते हैं कि किस भुगतान प्रणाली जो होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। पहली हो जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रेडिट सेल, उधार बिक्री का अनुबंध है। ये अनुबंध जो होता है ये एक तरह की उधार बिक्री का होता है, क्योंकि पोजिशन ओनरशिप दोनों ट्रांसफर कर देते हैं तो आप उधारी के तौर पर तो बिक्री कर रहे हैं, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं। सेकेंड आ जाएगा पेमेंट इंस्टॉलमेंट, किस्तों भुगतान होता है, ये तो सेम आपका हायर परचेज कितना ही हो जाएगा। थर्ड है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व जो होता है उसका फौरन ही तुरंत ही जैसे ही एग्रीमेंट साइन होता है हस्तांतरण हो जाता है, और जब आप ओनर बन जाएंगे किसी चीज़ के तो वहाँ पर जो रिपेयर होना है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मेंटेनेंस का काम होगा, इन सारी चीज़ें आपके क्या होते हैं आपके अंडर में हो जाती हैं, आप उसको दोबारा से सेल भी कर सकते हैं। बहुत से राइट्स आपको मिल जाते हैं जब आप किसी चीज़ के ओनर बन जाते हैं। फिर हो जाता है फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, किसके भुगतान में अगर चूक हो जाती है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, क्योंकि आप यहाँ पर उसके स्वामी बन चुके हैं, ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो चुकी है, तो अगर आप किसी तरह जो इंस्टॉलमेंट है उसके पेमेंट में कोई डिफॉल्ट हो जाता है, चूक जाते हैं, तो भी जो भी वेंडर होगा वो आपसे उस वस्तु को, उस एसेट को वापस नहीं ले सकता है। हायर परचेज में क्या होता था कि अगर कोई भुगतान में कोई गड़बड़ी हो जाती थी, कोई डिफॉल्ट होता था, तो जो भी एसेट होती थी वो वापस से रिप्रोसेस कर ली जाती थी इसके द्वारा, जो वेंडर होता है उसके द्वारा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जो भी एसेट होती है वो आपके पास ही रहती है। फिर आ जाएगा राइट ऑफ सेल और मोर्टेज ऑफ गुड्स, माल की बिक्री या बंधक का अधिकार हो जाना। जब आपको पोजीशन तो मिल ही गया, साथ साथ जब आपको उसकी ओनरशिप भी मिल गई, उसका स्वामित्व भी मिल गया, वो प्रोडक्ट वो वस्तु आपकी हो गई, तो आप उसको दोबारा किसी को सेल भी कर सकते हैं, और या फिर मोर्टेज के तौर पर अगर आपको लोन कहीं लेना है और एक सिक्योरिटी के मोर्टेज के तौर पर उसको रखना चाहते हैं तो उस एसेट को आप रख भी सकते हैं।
तो ये सारी क्या हो जाती हैं इसकी विशेषताएं। क्वेश्चन इनसे डायरेक्ट बनते हैं, तो इन सबके नोट्स बनाते चलिए। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि आप अपने जो खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं वही एग्जाम के टाइम पर याद रखते हैं, पीडीएफ आपको याद नहीं रहेगी। अगर आप नोट्स अपने खुद बनाएंगे, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ, आप नोट्स खुद बनाते चलेंगे साथ साथ, तो वहाँ पर आपको ईजी पड़ेगा। एक बार वीडियो को देखिए, सेकेंड बार दोबारा से नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपको आसानी रहे, याद भी हो जाएगा जब आप खुद से लिख करके नोट्स बनाएंगे। तो ये हो गई आपकी विशेषताएं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि क्या डिफरेंस होता है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर आती है। तो अलग अलग जो बेसिस बन सकते हैं डिफरेंस के, तो पॉइंट वाइज मैंने बनाया है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट हो जाता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध की प्रकृति, कि जो हायर परचेज है उसकी प्रकृति, उसका नेचर क्या रहेगा, और जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम है उसकी नेचर क्या रहेगी। तो जो हायर परचेज होता है उसमें क्या रहेगा कि इट इज़ अ हायरिंग गुड्स एग्रीमेंट सिस्टम ऑफ बाइंग गुड्स बाय मेकिंग रेगुलर पेमेंट अंटिल द फुल प्राइस इज पेड। इस प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये किराए पर आप ले रहे हैं, वहाँ पर उधार बिक्री होती है, यानी कि जो अभी आप एसेट को परचेज करते हैं तो वहाँ पर क्रेडिट पे आपने उसे परचेज किया होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप वो चीज़ ले रहे हैं, जो भी एसेट ले रहे हैं, वो आप रेंट पर किराए पर ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हायरर बोला जाता है। हायर परचेज, हायर का क्या मतलब होता है, जब आप कोई चीज़ हायर कर रहे होते हैं, जैसे कहीं पर आपको जाना है तो कोई व्हीकल हायर कर रहे होते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, वही चीज़ यहाँ पर रहती है कि आप किराए पर ले रहे हैं, और जब तक आप लास्ट पेमेंट नहीं कर देंगे इंस्टॉलमेंट का, तब तक वो आप उस पर आपका ओनरशिप नहीं होगा। तो इसमें जो नेचर रहता है किराए पर रहेगा, और इसमें जो रहता है वो उधार बिक्री का अनुबंध हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको ये डिफरेंस। ओनरशिप जो होती है जो हायर परचेज सिस्टम में, तो ओनरशिप पहले मैंने बताया आपको कि हायर परचेज में जब आप लास्ट पेमेंट कर देंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे, तब आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होगा, जैसे ही आपने एग्रीमेंट पर साइन किया वैसे ही क्या होगी, जो ओनरशिप होगी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी, आप उसके इमीडिएट ओनर बन जाते हैं उस प्रोडक्ट के, उस एसेट के पहले ही इंस्टॉलमेंट के साथ। तो यहाँ पर स्वामित्व हो जाएगा ये। थर्ड पॉइंट है राइट या अधिकार होते हैं। तो हायर परचेज सिस्टम में द बायर कैन नॉट सेल डिस्ट्रॉय और ट्रांसफर द गुड्स, कि जो हायर परचेज होता है उसमें जो बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है एसेट को, प्रोडक्ट को, वो उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को ना तो सेल कर सकता है, ना ही उसे नष्ट कर सकता है, और ना ही किसी दूसरे को हस्तांतरित ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होगा वहाँ पर जो बायर होगा उसे सेल भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, मॉर्गेज के तौर पर बंधक जो कहते हैं सिक्योरिटी के लिए वो भी रख सकता है, और साथ ही ट्रांसफर भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वो ओनर बन चुका है, तो अब उसको राइट हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है उस प्रोडक्ट के, उस एसेट के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा जोखिम रिस्क। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो ये सारे पॉइंट को नोट करते चलिएगा। रिस्क जो रहेगा हायर परचेज सिस्टम, ऑल द रिस्क आर बॉर्न बाय द वेंडर बिफोर द पेमेंट ऑफ द फाइनल इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो वेंडर होता है हायर परचेज में, जो वेंडर होता है सारा रिस्क जो होगा आपकी इंस्टॉलमेंट को चुकाने तक, पेमेंट करने तक, उस वेंडर का ही होता है, क्योंकि ओनर तो वही है, और जो ओनर होगा जिसकी एसेट है रिस्क भी उसका होगा, इसलिए आखिरी किस्त का भुगतान करने तक सारा रिस्क जो रहता है वो वेंडर का होता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या रहेगा, क्योंकि ओनर तो पहले ही किस्त के साथ आप बन गए हैं ना, तो जितना भी रिस्क होगा वो सब आपका होता है, यानी कि आपसे मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी परचेज कर रहा होगा, जो भी क्रय कर रहा होगा, क्रेता होगा, उसका हो जाता है। इसके बाद आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मरम्मत और रख रखाव। हायर परचेज सिस्टम में क्या रहेगा, द लायबिलिटी ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस लाइज विद द सेलर प्रोवाइडेड दैट द बायर टेक्स द अटमोस्ट गुड केयर। तो यहाँ पर जो हायर परचेज सिस्टम है उसमें क्या रहता है कि जो भी रिपेयर है या फिर जो मेंटेनेंस है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, जो भी वेंडर होता है उसकी रहेगी। भाई जब प्रोडक्ट उसका है, ओनर वो है, तो जो भी रिपेयर है मेंटेनेंस का आएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो जिसने भी परचेज किया उसने ढंग से रखा है, उसके बाद अगर किसी तरह की कोई ख़राबी उसमें हो गई है, टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेंडर की।
लेकिन अगर आपने उसको रखा ही नहीं है सही से, जानबूझ कर है गाड़ी है, कहीं लड़ गई जा करके, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें गलती अगर आपकी है तो वहाँ पर वेंडर उसको नहीं चुकाएगा। अगर आपने उसको सही ढंग से रखा है लेकिन कोई टेक्निकल कोई मैकेनिकल जैसा भी एग्रीमेंट होगा, उसकी शर्तें जो कंडीशन होंगी उसके अकॉर्डिंग वेंडर का रहेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या रहता है, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, गुड्स कैन नॉट बी रिटर्न। इसमें क्या रहता है कि जो बायर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके ओनर को बन चुका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाएगी, और जो भी गुड्स होंगे उसको रिटर्न भी वो नहीं कर सकता है कि वो ये चीज़ से है कि हाँ इसमें इस तरह की गड़बड़ी हो गई है इसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि आप ओनर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये सारे डिफरेंस हो जाते हैं जो हमारा रहेगा हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। और यहीं से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे ये भी कि जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, किसकी हो जाएगी, बायर की हो जाएगी। हायर में पूछेगा अगर हायर परचेज में किसकी हो जाएगी, जो भी वेंडर होगा उसकी हो जाएगी। साथ ही जो दूसरा पॉइंट था आपका कि रिस्क किसका रहता है, तो हायर परचेज में किसका रिस्क था, हायर परचेज में रिस्क हो जाएगा जो वेंडर है उसका। और जो दूसरा पॉइंट आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है किसका रिस्क होगा, वो रिस्क हो जाएगा जो परचेज कर रहा है बायर है उसका। सिंपल सा एक लाइन ध्यान में रखिएगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो हमारा परचेज कर रहा है बाई कर रहा है वो ओनर बन चुका होता है पहले ही पेमेंट के साथ। तो जितना भी रिस्क रहेगा, जो रिस्क राइट्स होते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस है, सब कुछ का करना उसी को ही होगा। और लेकिन हायर परचेज में सब कुछ वेंडर को करना होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से दोनों के बीच का डिफरेंस भी, और दोनों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो हायर परचेज सिस्टम है वो क्या होता है, किराए का अनुबंध होता है, और जो हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है वो उधार बिक्री का अनुबंध होता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा एग्जाम में आपका। आइए भी एक नज़र है जो एंट्रीज हैं उनको भी देख लेते हैं कि अगर सेटेड कुछ पूछता है तो वहाँ पर भी हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फर्स्ट एंट्री क्या है, तो इसमें भी दो तरह से रहते हैं, एक आपकी जो वेंडर है या जो सेलर है उसकी बुक में होती है, और एक हो जाती है जो परचेस कर रहा है बायर है उसकी बुक में हो जाएंगी। वेंडर की या सेलर की बुक में जो होती है तो पहली एंट्री जो होगी जो कि सेल के टाइम ही होती है, बिक्री के टाइम पर होती है, वहाँ पर क्या किया जाता है, बायर्स अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है कैश प्राइस के साथ। और साथ ही इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए एक इंटरेस्ट सस्टेंस अकाउंट, जो ब्याज संदेह खाता है जिसे कहा जाता है, वो खोला जाता है और जो भी इंटरेस्ट होता है उसमें डाला जाता है। सेकेंड एंट्री हो जाती है बिक्री के समय प्राप्त रोकड़ के लिए, जो भी कैश रिसीव हुई है तो उसे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बायर्स अकाउंट हो जाता है। इस बिक्री की राशि के लिए तो यहाँ पर बिक्री जो भी सेल हो रही है तो उसके लिए दो एंट्रीज की जाती हैं। पहली एंट्री जो होती है इंटरेस्ट सस्टेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाती है, और जो सेकेंड एंट्री होती है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर्स अकाउंट हो जाती है। एक इंटरेस्ट के लिए हो जाएगी और जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं उसके लिए एंट्री हो जाती है। उसके बाद आ जाता है जो बाकी की किस्तें होंगी सेम ऐसे ही एंट्री हो जाएगी। फिर आ जाएगी ब्याज खाते को बंद करना, जो इंटरेस्ट अकाउंट है तो हायर परचेज में भी हम किसमें ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दीजिए। और जो लास्ट में जब हम अकाउंट्स अपने क्लोज कर रहे होते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, तो उसके लिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या एंट्रीज होती हैं जो सेलर होगा या वेंडर होगा उसकी बुक में। फिर आ जाएगा क्रेता की पुस्तकों में, यानी कि जो परचेस कर रहा है बायर है उसकी बुक में। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, संविदा तथा माल सुपुर्दगी के समय, कि जो भी प्रोडक्ट या गुड्स होते हैं या जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उस टाइम पर जो एंट्री होती है, एसेट अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट सस्टेंस अकाउंट डेबिट होगा टू वेंडर्स अकाउंट डेबिट होगा, वहाँ एक एडिट हो रहा था यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा कैश प्राइस से टोटल इंटरेस्ट से, उसके बाद जो दोनों को ऐड करके जो टोटल प्राइस होगा वेंडर अकाउंट में चला जाएगा। सेकेंड एंट्री होती है किस्त का भुगतान, जो फॉरन ही डाउन पेमेंट किया जा रहा होता है उसके लिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट हो जाता है। फिर ब्याज जब दिया जाएगा इंटरेस्ट होगा उसके लिए जो होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्टेंस अकाउंट किया जाएगा।
फिर उसके बाद जो किस्त होगी जो इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट हो जाता है। फिर बाकी इसी तरह जो भी इंस्टॉलमेंट पेड की जाएंगी उसकी एंट्री हो जाएगी। डिप्रिसिएशन यहाँ पर भी चार्ज किया जाता है, तो उसको किस तरह से किया जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा एसेट अकाउंट। और उसके बाद जो हिरास खाता है डिप्रिसिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट था उसको क्लोज करना है, तो कहाँ पर क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। आपको क्लियर हो गया होगा क्या एंट्रीज की जाती है और समझ में आ गया होगा अच्छे से क्या है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। काफ़ी सिमिलर सा ही है, क्वेश्चंस भी वैसे ही बनते हैं, या तो इससे पूछेगा, एक दो क्वेश्चंस आने होंगे आपको इस टॉपिक से। तो जितने भी क्वेश्चंस हायर परचेज से मैंने कराए थे या अभी इसमें मैं कराऊंगी, आपको इसमें से ही एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे जो भी एग्जाम में पूछने होंगे, किससे और ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, कितने ही क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपसे पूछ लिए जाएंगे जो भी पॉइंट्स मैंने क्लियर कराए हैं। तो आइए एम सी क्यूज की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये रिविजन भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएंगे सारे डाउट्स। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस्त भुगतान प्रणाली डैश द्वारा शासित होती है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय डैश। हायर परचेज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंस्टॉलमेंट एक्ट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है वो किसके द्वारा शासित होता है। तो यहाँ पर पहले भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था हायर परचेज में, लेकिन आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था। तो वो तो हायर परचेज तो किससे हो रहा था, जो हायर परचेज एक्ट था उसके अकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, माल की बिक्री अधिनियम जो होता है उसके द्वारा शासित होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रणाली के तहत समझौते पर हस्ताक्षर करने पर स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है, अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, कैश सिस्टम। क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे ही जो एग्रीमेंट होता है उसको सिग्नेचर किए जाते हैं, वैसे ही जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाती है कौन से पेमेंट सिस्टम में, तो कौन सा था, किस भुगतान प्रणाली थी उसके द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रणाली के तहत हानि का जोखिम डैश द्वारा वहन किया जाता है, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम द रिस्क ऑफ लॉस इज बॉर्न बाय डैश। यहाँ पर आपको बताना है कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है तो वहाँ पर जो किसी तरह के लॉस का जो रिस्क होता है उसको कौन बेयर करता है, बायर, हायरर, हायर वेंडर, डेटर। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही वो व्यक्ति एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करता है उसको ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। किसको ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जिसने बाय किया होता है, जिसने वो वस्तु खरीदी होती है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा, हायर में हो जाएगा आपको और बायर में हो जाएगा। तो हायर कौन होता है, मैंने आपको समझाया था कि हायर कौन होता है, जो हायर होता है जो हायर कर रहा है तो वो किराए पर ले रहा है, और यहाँ पर जो इसमें होता है जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है वो उधार बिक्री होती है, क्रेडिट सेल होती है। तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, उसको बायर बोलते हैं, हायर नहीं यहाँ पर बायर बोला जाता है, तो वो क्रेता कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को, बस ध्यान में रखिएगा, जो हायर होता है जो किराए पर ले रहा है, लेने वाला किराए पर, और जो भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में खरीदेगा वो क्रेता होता है, बायर होता है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका एक मार्क्स चला जाएगा एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराएदार की पुस्तकों में किसके भुगतान के लिए किराया विक्रेता खाता डैश द्वारा डैश होगा, इन द बुक्स ऑफ हायरर फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर अकाउंट विल बी डैश, डेबिटेड, क्रेडिटेड, रेक्टिफाइड, नन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हायरर की किराएदार की बात हो रही है, तो ये किससे क्वेश्चन रिलेटेड हो गया, यहाँ पर जानबूझ कर मैंने क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपको अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आपका लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। जो प्रीवियस वीडियो में हायर परचेज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो आपके सिंपल से थे, अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि कौन सा पेमेंट सिस्टम है, लेकिन आपको कैसे जानना है, कैसे पहचानना है, आपको पहचानना है इससे, ये जो हायरर लिखा हुआ है वो, या फिर यहाँ पर किराएदार लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, किस में होता है, हायर परचेज सिस्टम में होता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बना है, हायर परचेज सिस्टम से बना है, तो हमें उसको ध्यान में रख करके इसका आंसर देना है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा है तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि
जो हायरर होगा इन द बुक्स ऑफ हायरर फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जब वो इंस्टॉलमेंट को पे करेगा तो हायर वेंडर का अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, रेक्टिफाइड होगा, नन होगा। तो यहाँ पर जो हायर वेंडर का अकाउंट होगा, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जनरेटरीज कराई थी, अगर आपको ध्यान में हो याद होंगी, तो इसका आंसर आपके लिए बहुत ईजी होगा। हायर वेंडर का अकाउंट क्या होता है, डेबिट किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे तो वहां पर हायर वेंडर जो होता है उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराएदार की पुस्तकों में वर्ष के अंत में देय ब्याज के लिए किराए विक्रेता खाता डैश होगा। इन द बुक्स ऑफ हायरर फॉर इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर हायर वेंडर अकाउंट विल बी डैश, डेबिटेड, क्रेडिटेड, रेक्टिफाइड, नन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, हायर वर्ड लिखा है तो यहाँ पर भी किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, जो किराएदार है या जो हायरर है उसका जो इंटरेस्ट है वो वर्ष के अंत में ड्यू है, देना है उसे, तो वहां पर जो हायर वेंडर अकाउंट होगा जब भी वो पे करेगा तो वहां पर जो हायर वेंडर अकाउंट होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, रेक्टिफाइड होगा या फिर नन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हायर वेंडर होगा उसका अकाउंट किया जाता है क्रेडिट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराए पर लेने वाले की पुस्तकों में जब परिसंपत्ति पर दोबारा कब्जा कर लिया जाता है तो परिसंपत्ति खाता डैश होगा। इन द बुक्स ऑफ हायरर व्हेन द एसेट इज रिपोसेस्ड एसेट अकाउंट विल बी डैश, डेबिटेड, क्रेडिटेड, रेक्टिफाइड, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर भी क्या बात हो रही है, हायरर की हो रही है, किराएदार की हो रही है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो एसेट है उसको वापस से अधिकार उस पर ले लिया गया है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में तो ऐसा होता नहीं है। इसमें यहाँ पर अगर कोई भी जो इंस्टॉलमेंट होती है उसको पे करने में डिफॉल्ट हो जाता है तो रिपोसेस्ड हो जाती है, दोबारा से परिसंपत्ति ले ली जाती है, तो वहां पर जो एसेट अकाउंट होगा वो क्या किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो एसेट अकाउंट होता है वो क्रेडिट किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल ह्रास क्या है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट रिपेयर, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, पोर्शन ऑफ ए फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट कंज्यूम ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो हायर परचेज में मैंने आपको पढ़ाया था कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु को, किसी एसेट को यूज करते जाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे उसके मूल्य में, उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है, वही कमी क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन कहलाती है। कभी कभी अपचलन के कारण भी होता है कि अब वो मॉडल ये पुराना हो गया, जैसे कि व्हीकल में होता है, जो मॉडल बहुत पुराने होते चले जाते हैं, धीरे धीरे क्या होती है उनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। आज आपको स्कूटी परचेस करेंगे, 5 से 10 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी, भले वो आपके पास जो स्कूटी हो वो नई बिल्कुल हो, ज़्यादा आपने यूज़ ना की हो, ज़्यादा नहीं चली हो, फिर भी उसकी मार्केट वैल्यू कम होती चली जाती है, वही क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, या उसकी जो लागत होती है वो क्या कहलाती है, वो लागत कहलाती है कि चालू लेखांकन अवधि के दौरान उपभोग की गई अचल संपत्तियों की लागत का हिस्सा। जैसे जैसे आप उसको कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी लागतों में कमी आती जाती है, वही कहलाता है आपका डिप्रिसिएशन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सीजर ऑफ गुड्स बाय द हायर वेंडर द बैलेंस ऑफ द एसेट अकाउंट ट्रांसफर टू, क्रय विक्रेता द्वारा माल की जब्ती पर संपत्ति खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। तो वहां पर जो संपत्ति खाता होता है, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि वहां पर जो संपत्ति खाता डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एसेट अकाउंट का भी जो शेष बचेगा, बैलेंस होगा, उसको आप कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हायर वेंडर के अकाउंट में, गुड्स डिपोजिट अकाउंट में, नन ऑफ द अबव, इसमें ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्योंकि एसेट से रिलेटेड है, तो एसेट जो होती है वो हमारी कैपिटल नेचर की होती है, क्योंकि आपकी पूंजीगत संपत्ति है, कैपिटल नेचर की एसेट है, तो उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जो रेवेन्यू नेचर की होती हैं चीज़ें उनको ही ट्रांसफर किया जाता है, जो आयगत प्रकृति की होती हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पर होगा नहीं। गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट, इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो किसमें हस्तांतरित करते हैं,
तो जब भी यदि प्रोसेस होकर आ रही है तो किसके पास आएंगी, जो हायर वेंडर होगा उसी के पास तो आएगी, तो हायर वेंडर अकाउंट ही क्या हो जाएगा आपका, उसी में ही ट्रांसफर किया जाएगा। सही ट्रांसफर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हायर परचेज सिस्टम डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, किराए क्रय पद्धति के अंतर्गत हिरास काटा जाता है, ऑन कैश प्राइस रोकड़ मूल्य पर, ऑन हायर परचेज प्राइस किराया क्रय मूल्य पर, और मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हायर परचेज सिस्टम में जो डिप्रिसिएशन होता है वो किस वैल्यू पर, किस मूल्य पर चार्ज किया जाता है, तो उसे चार्ज किया जाता है जो कैश प्राइस होता है, रोकड़ मूल्य होता है उस पर, क्योंकि जो डिप्रिसिएशन लगता है वो जो भी एसेट है उसकी कॉस्ट पर लगता है। तो कैश प्राइस जो होता है वो उसकी कॉस्ट डायरेक्ट होती है, उसमें जब आप जो भी इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो उसके बाद वो बनता है आपका हायर परचेज प्राइस। तो इंटरेस्ट पर डिप्रिसिएशन काटने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए जो कैश प्राइस होता है उस पर काटा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।